मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपकी मिसेस चौधरी अपना तड़का लेके, मेरा मतलब है मिसेस चौधरी का तड़का लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ पकाना शुरू करें, मैं सबसे पहले अपने हाथ तो धो लूं भाई। किचन में काम करने से पहले और हर काम करने से पहले हाथ धोना बड़ा जरूरी है। आजकल तो बहुत ही जरूरी है, कोरोना ने हमें तंग कर मारा, डर के मारे। तो हर चीज ही करनी चाहिए जो जरासीम को मारे। वैसे मैंने अंगूठियां भी उतार दी थी अपनी, इसलिए भाई जरासीम अंगूठियों में भी बैठ जाते। बस इस तरह करके हम मिल रहे हैं आजकल, है उतार तो सही, जरा दूर दूर। क्या हाल है? माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, मेरी बेटी आ गई है, कितनी खुशी का दिन है मेरा। ये कौन है? एक मिनट है जन। ये जुजिया मुजिया गुगिया नी बगलिया चोनिया मोनिया नी गगलिया मगलिया चोनिया नी बगलिया। वैसे बासु जी, पहले मैंने पहचाना नहीं था, ये हमारा ही काका है ना। हाँ जी मम्मी जी, क्या हो गया है? मेरा बेटा है। मम्मी जी आप भी ना, कैसी है मम्मी जी आप? मैं बस वही ना, 1 लीटर में 20 किलोमीटर। मम्मी जी वैसे आपको पता, आपका शो तो बड़ा ही हिट चल रहा है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। बेटा बड़ा मुश्किल होता है, देखो हिट होना, टैलेंटेड होना बड़ा प्रेशर का काम होता है। अब भाई किधर है? सुते पे घोड़े बेच के रोजा है उनका। हाँ रोजा है, तो मैंने शुक्र ही किया कि सो गए हैं। मैं आराम करो, गुस्से में इधर उधर फिरते, वैसे रोज में गुस्सा करना गुनाह होता है। पर तेरे अब्बाई तो है ही, बस अल्लाह खैर ही करे। अच्छा चल हुण हमारा टाइम ना जाया कर, क्योंकि अफ्तारी में थोड़ा को टाइम रह गया। हाँ जी, क्या पका रही है मम्मी जी आप? बेटा पकाते नहीं है, ये जेंट्री की लैंग्वेज होती है। अम्मी क्या बना रही है आप? रोटी बनाते है, पकौड़े बनाते है, खाना बनाते है। तू तो उसी तरह पेंडू रह गई, चौधरी की बच्ची ना हो गई। आज आप क्या बना क्या रही है? मैं हाँ मैं तुझे बताती हूँ, मैं बना रही हूँ जबरदस्त चिकन शवरमा। आपको शोरमा बनाना आ गया? मैं बड़ी अंग्रेजी चीजें सीख ली, मैं तो निकल गया। आओ गई। तो मम्मी जी आपने मुझे तो टिंडे गोश्त और बैंगन गोश्त तो आलू गोश्त पकाना सिखाया था, मुझे भी सिखाए ये सारा। तो बेटा अपने पैरों पर खड़ी होके खुद तरक्की करनी चाहिए ना, मेहनत कर, हसद ना कर, और चल छेती शुरू। मुझे भी सिखाए ना, उसको नबील को बड़ा ही पसंद है शोरमा, वो बाजार से मंगवाता है, अब मैं घर में बना के खिलाऊंगी उसको। हाय नबील का क्या हाल है वैसे? ठीक है? हाँ जी वैसा का वैसा ही है। आया क्यों नहीं? बड़ा अथरा है, बिजी था थोड़ा। बिजी था तो एडा फिटा है, आके रोजा ही खोल लेता साडे घर, सी की कहना सी उनू। लो जी हमने ना ये चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी। अच्छा तूने मेरी अंग्रेजी चेक की है? हाँ जी मेरी अच्छी अंग्रेजी बोल रही है। अच्छा जी इसके अंदर हमने क्या क्या डाला? हमने डाला इसमें इलायची पाउडर, ये समक पाउडर होता है, ये बेटा अरबी खानों में पड़ता है। अच्छा? आगे मुझे भी नहीं था पता इसका, पर बड़ी जबरदस्त चीज है ये। गरम मसाला है, अच्छा फिर जायफल होती है उसका पाउडर है, नमक है, और सबसे मजे की जो चीज है ना ये है कनौर का ये क्यूब, चिकन का क्यूब ना इसके अंदर मैंने डाला। वैसे मैं दिखाने के लिए कर, कभी देखा? हाँ जी मैं दाल में डालती हूँ। हाँ ये तो बड़ी चीजों में डलता है, तो मैंने इसमें बोरा बोरा करके ये मिलाया और ये सारी चीजें मैंने मिक्स करके रख दी थी। ठीक है अब हमने इसको करना है बेक 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा। तो मैं ठहर जा, जरा मैं वो लेकर जा, तू फट ट्रे फट के ले आओ, चल कोई काम नहीं करिया कर, आके बह रही है साढ़े घर। मजाक कर रही हूँ, बंदा शादीशुदा बेटी की थोड़ी बहुत इज्जत करनी पड़ती है जी। अच्छा चल बेटा तेल पकड़ा जल्दी से। शुक्र किया ये तो हेल्पर का काम ही सही है। डोली वैसे एक तेल मांगता बेटा। हाँ अच्छा दो थे ना, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन सा। बस तू ये देख रहे थोड़ा को इसको गिल्ला करना है जैसे कि तेल से ना, ताकि चिमट ना जाए। अच्छा। वैसे भी जो लोग बेकिंग करते हैं उनको पता है कि बहुत तेल नहीं रोड़ना होता। मम्मी जी देखिए आपको बेकिंग भी करनी है, देख ले फिर है। चॉइस आपका रिश्ता कितनी अच्छी जगह हुआ, उनको आज तक पता नहीं चला, मगर मेरे साथ बड़ी बुरी हुई है। वैसे मेरे माँ बाप ने छान फटक की होती तो आज मैं, खैर चल कोई बात नहीं, गुजर की जड़ी गुजरनी सी। हाँ जी है? ये देख मैंने इसको ऐसे करके लगा दिया। बासु ने सूट बड़ा प्यारा पहना हुआ है, और रंग नहीं थे इसके अंदर है ना, मेरे लिए ले आना था ना कोई नारी रंग का, कोई केसरी रंग का। अच्छा जी आवड़ियां ऐवें ही मुंह चुक के बंदा माँ के लिए सूट ही ले आता था। मैं अगली दफा ले आऊंगी मम्मी जी। चल ठीक है ले आऊंगी। इस तरह कर, ये जो खाल वाली जगह ना इसको हमें नीचे रखना है। हाँ तो ये करके, ताकि वो हमने बाद में इसकी स्किन उतार लेनी है। ठीक है। अच्छा अब हमने जलाना है 180 की स्पीड पे, हमने ओवन जलाना है। क्योंकि मैंने जला के रखा हुआ है, मैंने जला के रखा था पहले, मैंने कहा टाइम बचता है। हाँ अफ्तारी से पहले पहले बिस्मिल्लाह की बरकत तो ना हो कोई हरकत। आलो
ये करके हमने, ये दूसरी मंजिल है इसकी। अच्छा हाँ जी, ओवन की दूसरी मंजिल जी। एक गया अंदर, चिकन भी जाके याद करेगा। सहमत चौधरी मेरे मसाले लाते। जी अच्छा जी, इतनी देर में तू क्या करेगी? तू आलू के चिप्स मैंने रखे, निकाल बेटा फ्रिज में से, चल छेती हो तो ये फ्राई कर लेते हैं। तो अच्छा बता, नबील का क्या हाल था? बिजी था वो मम्मी जी। हाय हाय, साडे घर आने वाली तो बिजी हो जाता है। अच्छा रोजे रोजे रख रहा है कि नहीं? वैसे उसको जरूरत है रोजे रखने की, उनका मुंह उस तरह ही बेचारे का छोटा जिन्ना। नहीं नहीं मम्मी जी, रोजे रखता है वो भी। अच्छा हाँ जी, चलो वासु तुझे पता है इसको डीप फ्राई करना होता है। हाँ जी, आलू के चिप्स तो जिंदगी भर खाती रही है, पर अब इनको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। ये देख रहा है इरफान का कॉर्न ऑयल है। अच्छा हाँ जी, बड़ा ही को अच्छा होता है, वैसे हल्का भी होता है और सेहतमंद। तुसी तो देसी घ्यो खान दे आदी हो, हुण इन चीजा दा ध्यान दियो। अच्छा चौधरी दे बच्चियां नूं बंदा गल्लां ही करदा रहिंदा। अच्छा वैसे तुझे पता है आलू के फ्राइज जो है ना, आलू के ही तो होते हैं फ्राइज। इनको काट के ना फ्रीजर में रखो तो बड़े क्रिस्पी बनते हैं, कड़ा च करके। अच्छा अच्छा बेटा, जिस वक्त काम करते हैं साथ साथ खलारा भी समेटते हैं। ऐला फड़, मैं उधर जा रही हूँ चीजें हटा के, काउंटर साफ रखना होता है। मैं तो अब देख, तेल तिड़क जावे ना तिड़क, तो फिर उसमें डालना। हाँ जी, अभी तो अच्छा। तो ये बता बेटा, हाँ जी, वैसे तेरे दिल लग गया अपने घर में? हाँ जी मम्मी जी, अब इतने साल हो गए तो लग ही जाना था। वैसे बासु सारे तेरे अच्छे ही निकले, वैसे शक्लो तो चंगे नहीं सी लगदे पे। मैनूं बड़ी फिकर सी, मैं क्या और किस तरह दे होणगे, मगर मेरे ख्याल है ठीक ही निकले। ये तूने तूने उनको सीधा तो नहीं कर दिया कहीं? नहीं नहीं मम्मी जी, सारे अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। मैं तो तेरे वालों ठंडी हवा आई आवे तो या अल्लाह, मैं तो दुआवां ही कर दे सा। मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे तू अपने घर बस जाएगी। क्यों मम्मी जी? नहीं वैसे मैंने कहा तू लाडो की पाली बने मेरी बच्ची इस वजह से। अच्छा खैर, तो अपना क्या नाम है, देख तो सही जरा। अरे बेटा इतना रौला नहीं डालते होते टीवी के ऊपर, आराम आराम से इस तरह हला इसको। अच्छा है, हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर में हम वापस आएंगे। आप अपनी प्यारी बहन मिसेस चौधरी का तड़का छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। अरे साड़ा काका कितने जब आए, बच्चे को पकड़ जरा। नीन सरीन, ये तो लड़की लेके आई है तो किसी काम की नहीं है। वे वो काका लेके जरा। सद के बिल्कुल मेरी जैसी होती है। अस्सलाम वालेकुम, वापस आ गई हूँ ना मैं। आई एम सॉरी, बेटी को देख के इंसान के दिल में इसी तरह के ख्याल आते। माशाल्लाह कितनी प्यारी निकल आई है, बड़ी हो गई है, मेरे से बहुत मिलने लग गई है जी। अच्छा खैर, हम ब्रेक में जाने से पहले हमने चिकन रखा था वो जरा मैं निकालूं। ये शवरमा बनाने के लिए जो हमने चिकन रखा था वो हो गया है तैयार तकरीबन, माशाल्लाह। ओ यस, बिस्मिल्लाह की बरकत से, ये देखो ना। जानी मैं साथ में गुलाब भी पहनूं, मत ऐवे मेरा हाथ ही ना सड़ जाए। ये देख इसकी शक्ल, तू देख कितनी प्यारी है। वाह वाह, एक मिनट, ये देखो चिकन, इसे बड़े मजे का लग रहा है मम्मी जी। शक्ल से देख के, अभी तू ठहर जा, अभी पूरा नहीं ना हुआ, ऐवे कदे मांग ना लवी, खलो जा। इसके अभी हमने करने हैं टुकड़े, उसके बाद हमने इंशाल्लाह हो ताला, तू देखती जाए जरा मैं करती क्या हूँ। अब मैं जरा सुन, सैनिटाइजर दे, मैंने तेरे बालों को हाथ लगाया था, फाड़ उधरो। हाँ मैंने इसको हाथ नहीं भाई लगाया, सच्ची जो बात है, बंदा तैयार जितनी को करे उतना अच्छा है। 100 बार ही लगाए सैनिटाइजर वालों की तो मौज हो गई। मेरी सहेली उसकी कंपनी थी, वो लोग तो बड़े मीर हो गए, अब पहले नहीं थे इतने मीर। हाँ है ना। अच्छा छुरी, ये वाली छुरी से ना मैं इसको जरा काट लूं जी। इसके ये वाली छुरी चाहिए। ये वैसे सबको डराने के लिए भी मैंने रखी है, कभी कभी मैं डराती भी हूँ। अच्छा जी चलो, हम इसको जूलियन काटेंगे। और तेरे से तो सबर नहीं हो रहा बेटा, जरा अफ्तारी तक ठहर जा। क्या काटेंगे? जूलियन। हाँ, इसके शेप को हम तरीके से काटेंगे। कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रही है। देख ले तू जरा, एक मिनट आ जाने। काका आ गए वे। वे मोहम्मद बूटा किधर फिर रहे बेटे? मैं बिहार से कह रही हूँ, मुझे पता इसका नाम जमील है। अच्छा नाम रखा है वैसे, माशाल्लाह। तूने रखा था ना पहले? नहीं, सास ने रखा था। मेरा नाम नहीं ना तुम लोगों ने रखा, जो मैंने रखा था, मुझे इतना पसंद था ना अब्दुल गफूर, मैंने कहा था जरा अब्दुल गफूर रख लो, मेरे नाना जी का नाम था, तूने ना वो रखा मेरी पसंद का नाम। वो मेरी सास नहीं मान रही थी ना मम्मी जी, आपको पता ही है। हाँ बेटा, फिर ये तो है, सासों की बात माननी पड़ती है, भावे सच्ची हो तो भावे नहीं। वैसे ये नाम भी बुरा नहीं है माशाल्लाह। अच्छा तू बता, अपने गिरफ्तारी में क्या क्या बनाती है? वो ना मम्मी जी आपको पता है ना, नबील जो है ना वो जिम जाते हैं ना, तो बस उनके लिए फिर मैं हेल्दी खाना बनाती हूँ। फ्राई चीजें नहीं बनाती मैं बिल्कुल। नहीं वैसे हम भी इतनी फ्राइड नहीं खाते, ये तो अभी हमने बेक करनी है। ये तो बेक। लेकिन अच्छा तेरा मियाँ जिम जाता है,
उसने जिम ज्वाइन किया हुआ, मैंने तो सारी जिंदगी एक जिन ज्वाइन किया हुआ था, सुता पे अंदर ही। मम्मी जी आप भी ना भाई के पीछे ही पड़े रहते हैं। चलो ना मेरी उनकी लाड़ियां चलती रहती है। अच्छा हमने इसको 6 मिनट ना, 5 से 6 मिनट फिर से रखना है। हाँ उधर जाके मेरे वे आ गया नहीं। हाय माँ सबके जीजियां मेरियां को गया, क्या भाभियां का गया भागिया, क्या मेरियां मुख गया भागिया, जाए खेलने को। हाँ एक मिनट है जानी, समाग पाउडर रहने लगा था, एक काके को देख के तो मेरा ध्यान उधर हो गया, मेरे सारा भी रेसिपी मेरी नाश हो जानी थी। माँ सच की जीजियां मुखिया को गया, क्या चलिया पकड़िया पकड़िया, ये समाग पाउडर हमने इसके ऊपर डाला, तू देखी इसके तो जलवे देखी जिस वक्त ये बन जाना है, और इसका तू टेस्ट चेक करी, बस मेरे 5 मिनट के लिए इसको और रखना है। अच्छा हाँ जी 180 की स्पीड पे है ना। अच्छा 180 की स्पीड पे। अच्छा तो इतने में हम ये करते हैं कि वो जो है ना पीटा ब्रेड, ये इसके लिए जो होती है शवरमे के लिए, शवरमे को भी बुलाने के बड़े तरीके, कोई कहता है शवरमा, कोई कहता है शवरमा, है मुख्तलिफ लोग होते हैं, पर मुझे वैसे ये अच्छा लगता है शवरमा कहना, लेकिन थोड़ा सा मैं तो शवरमा कहती हूँ। अच्छा तो इस तरह कर, इतनी देर में ना मैं एक छोटा सा डिजर्ट बनाने लगी हूँ, मिठा को डिजर्ट कहते हैं, वैसे मैं पहले डेजर्ट कहती होती थी, तो किसी ने मुझे ठीक कराया कि डेजर्ट नहीं कहते होते, जैसे कि मैं स्नेक कहती होती थी ना स्नेक्स, हम लोग जब शाम की चाय के साथ स्नेक लेते थे, किसी ने मुझे समझाया स्नेक नहीं कहते स्नैक। अच्छा तू इसको ना जरा हल्का हल्का फ्राई कर, फिर हम इसके अंदर वो फीलिंग कर लेंगे। मैं एक बड़ी मजे की नटी फ्रूटी कस्टर्ड बनाती हूँ, नटी फ्रूटी कस्टर्ड। हाँ जी, और बनाना क्या है, मैंने सारा तैयार करके रखा हुआ, तेरी माँ बड़ी अक्लमंद है, तूने अपनी माँ को समझा क्या है बेटे, तू मेरे से सीख के वैसे कुछ गई नहीं थी, लेकिन अल्लाह करके तूने उधर से अकल से काम लिया हो। तो जी फिर मैंने जो तैयारियां की हैं तो तू मेरी तैयारियां तो देख। हाँ जी तो मैं बनाती हूँ नटी फ्रूटी कस्टर्ड, वैसे इसमें मैंने बड़ा कुछ मिला के रखा हुआ पहले ही, क्योंकि पता ना अफ्तारी से पहले अगर आपने तैयारी ना की हो तो सारे खानदान के सामने ना नाक वड्डी जाती है, खुश हो जाती सारी सारी तैयारी, जो अगर आप लेट हो जाए। इसके अंदर हमने डालना ये देखो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है कस्टर्ड के अंदर, ये जेली का रंग तो चेक करो जरा, सारी डाल देती हूँ मुझे बड़ी पसंद है। इस वक्त वैसे रोजा खुलने वाला था तो बंदे की जरा चलो कोई नहीं। इसके अंदर हमने डालने केले, बिस्मिल्लाह करके जेली डाली है। हाँ जी ये है कीवी, इसका भी अपना बड़ा टेस्ट होता है। हाँ जी। मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और डाल ले आपकी मर्जी है वैसे। अच्छा अब हमने इसके अंदर नट्स देखो क्या क्या रखे हैं इसमें, ये फ्रूट के बाद में नट्स बताती हूँ। ये देखे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी कहते हैं स्ट्रॉबेरी। अच्छा हमने डालनी है ये खजूरें, इसको इंग्लिश में डेट्स कहते हैं, ठीक है एक एक लफ्ज के दो दो मतलब होते हैं तुझे पता ही है ना। जी जी। अच्छा जी ये ग्रेप्स हैं, नहीं अंगूरा नु ग्रेप कहते हैं ना, सानू पता ही नहीं सा। चलो अच्छा अब नट है, ये है बादाम, ये रहे बादाम और ये रहे अखरोट। ओए होए होए इसको तो कोई ताकतवर चीज बनी, रफान में हर चीज होती है खास, हमने रफान के कस्टर्ड के ऊपर वो लाड़ियां की है कि वाह वाह वाह, जो खाएगा उसको ऐसा मजा आएगा ना कि जबरदस्त मजे का लग रहा है मम्मी जी, उसको ध्यान कर मत साड़ना नहीं आओ नहीं हमारे शवरमे को ना कहीं। अच्छा जी साथ में हमने ये ना ब्लूबेरी रखी हुई है इसके ऊपर वो करने के लिए, लेकिन पहले मैं जरा आइसक्रीम लेके आऊं, आइसक्रीम भी डाल लेना, आइसक्रीम आइसक्रीम भी डालेगी, वनीला हमने रखी हुई है फ्लेवर। यार जानी मसूड़ी पे आ गई है, नहीं ये लूट पे आ गई, लूट पे आ गई है, हाय हाय रोजे का टाइम होने वाला है, नहीं मैंने आइसक्रीम निकाली तो मुझे याद आया। हां जी हाय हाय मेरा सड़ना जावे चिकन मते, खैर इसको सही तरह मिक्स कर दूं। हां कर दे मिक्स कर दे बेटा, बिस्मिल्लाह की बरकत से। हाँ शुक्र है बच गई हूँ मैं। ओए तूने तो मुझे बातों में लगा लिया था। है नहीं डोली हट जा फिर जा, ये भाई खाना पकाना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, कहीं कहीं बंदा बोंगी मार दे खाम कहीं खराब हो जाए, इतनी मेहनत और इतना पैसा तो ध्यान ही रखना चाहिए ना। ये देख तो जरा इसकी माशाल्लाह कितनी का प्यार है, इसके स्लाइसेस काटे ओवन के अंदर भी पक जाता है खाना मम्मी जी, आराम से पक जाता है, और इसमें तो देखी टेस्ट चेक करी तो समक जो पाउडर मैंने डाला ना समक पाउडर उसका तो तू देखी है खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है। वैसे आपस की बात है कि हमने तो सारी जिंदगी एक जैसे खाने खाए हैं ना, बताऊं गोश्त बना लिया तो चलो पर भी गोश्त बना लिया तो चलो टिंडे कुछ, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े तजर्बे हो रहे हैं और दुनिया में क्या हमारे पास कम हो रहे हैं, कनौर ने तो बैजा करा दी सब। हाँ हाँ आइसक्रीम लेने बात सुन। हाँ जी इधर इधर जगह तो बना है ना, बड़े खलारे बहुत पड़े हैं बेटा, ये निकाल दे ब्लूबेरी इसके ऊपर सजाने के लिए, ठीक है तो हम इसको हटा लेते हैं। हमारा किचन साथ साथ हमने समेटना होता है, ऐसे तो नहीं ना फिर सारा कुछ गंद मचा के बैठ जाए। चलो जी ये तो हो गया, अब मैं इसके अंदर ला शाबाश मेरी तो बच्ची बड़ी होशियार हो गई, माँ सदके जाए। एक मिनट ठहर जा, इसमें हम डालते हैं ये हमारा नटी फ्रूटी कस्टर्ड, बिस्मिल्लाह
ओए ओए ये तो बड़ा को रिच बन रहा है, ऐसा रिच है कि इसके आगे तो मर्सिडीज चलती होगी। हैं भाई हम खाने पीने को भी रिच कहते हैं, मुझे नहीं था पता पहले। तुझे पता था कि नहीं था पता? मुझे पता था। अच्छा नबील ने बताया था मुझे। अच्छा आइसक्रीम की दूसरी चम्मच लेके आ, ठहर जा मैं लेके। ये अब हमने इसके ऊपर हमारी मर्जी है, भावें मैंगो डाले तो भावें वनीला डाले, जो हमें अच्छी लगे। प्यारी कितनी लग रही है आइसक्रीम, देख तो सही जरा तू। इसके ऊपर हमने डालनी है ब्लूबेरी, ये और हमने रखना इसके ऊपर एक पुदीने का प्यारा सा ये पत्ता। तू ताकत है सही जरा दी तो शाना ते देख ले मासर, और भर थोड़ा सा और डालना। जूसी क्यों कर रही है, जो सामने तो दो तीन भर के खा लेने। तो काके को भी खिलाना जरा राज के। अच्छा जी इसके ऊपर मैं डालती हूँ ये मैंगो फ्लेवर, ठीक है। ओए होए होए जुलम, ओए होए लुटे गए ये रबिया और समझते थे बड़े मॉडर्न है। देखो जी हैं, ये देखो गजब ही हो गया। इसके ऊपर मैंने रखना ये ब्लूबेरी, तो मैंने ये रखनी है छोटी सी पुदीने की पत्ती। कितना प्यारा लग रहा है, गजब का, एक पीला एक सफेद हैं। अच्छा तो हूं फिर वो तो लेके आ चिकन, ये तो हम बनाते ही रहेंगे आज। एक मिनट ठहर जा, बस कर दे, बस इतनी बढ़ेगी बस। आहो हम तीन लोग तो हैं, चौधरी साहब तो मैं है तो तू, ठीक है। बिल तो आया नहीं, तो चौथा गिलास हम का ही हमने रखा था। हां जी ये हो गए तीन गिलास। चलो जी अब ये हटा 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 जरा इसको, इसको फ्रिज में रख पुत्र। अच्छा जी अब हम चिकन बनाएंगे, वो शवरमा रेडी करना है, रोजा खुलने वाला बेटा। ऐसे ना ना अभी जान हो गई तो हमने रह जाना सारा कुछ, इधर ही छोड़ देना। चल भाई इसको रख जरा फ्रीजर के नीचे। मैं तो आपको ताप पै रही है अल्लाह, मेरे तो हाथ पैर फूल गए हैं। अच्छा जी इसके अंदर हमने डालना है ये वेजिटेबल्स काटी हुई हैं, ये मैंने नहीं काटी हुई, मतलब ये विनेगर में हमने जैसे वो मिलता है ना पिकल, तो ये हरी मिर्चें थी मगर उसमें जाके ये बेचारियां सफेद हो गई हैं, पर मजे की बहुत है। अच्छा जी अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने ये जो रोटी है ना इसका मतलब है कि पीछे ब्रेड, इसके ऊपर हमने मेयोनीज लगवाना है। हाँ। और वो ऐसा लगाना है वो जो कनौर वालों ने बड़ा जबरदस्त निकाला हुआ, देखो ये है हेलमेंस रियल मेयोनीज। इसके साथ ही मैं वो निकाल लेती हूँ दोनों केचप भी और चिली गार्लिक सॉस भी, क्योंकि वो भी हमने यूज करने, तो टाइम थोड़ा रह गया तो पहना फिर जल्दी जल्दी करिए ना। अच्छा जी ये हो गया, तो ये हो गया, अभी हमने पहले इस पे लगाना है मेयोनीज, थोड़ा सा लगाने मजा आएगा इसके साथ, बड़ा जबरदस्त इसलिए हो जाना। देखी तू, वैसे तो किसी को पसंद होता है ज्यादा किसी को थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसके साथ जो मजा आना है ना वो तो फिर बात ही कुछ और होनी है। ठहर जा जरा, ऐसे करके ये लगाया जैसे मक्खन लगाते हैं, जैसे खुशामदी लोग मक्खन लगाते हैं। ऐसे मेरे का चलो हम भी जरा रोटी को मक्खन लगाएं जी। तो ये हमारा शवारमा बनने लगा है, इसके ऊपर हमने रखना चिकन, ये देखियो करके, और छोटा सा जो है ना इसलिए इसमें ज्यादा चीजें भी ठूसनी, दो हमने इसमें रखनी है फ्राइज या तीन पतली पतली। अच्छा अच्छा फिर हमने ये रखना है ये पिकल में जो है ना गाजर, तो बंद गोभी हमारी अपनी वही जबान में जो है कैबिज, तो क्या नाम है इसका हरी मिर्चें जो कि सफेद हो चुकी हैं, ये करके तो जरा बोटी और डाल लूं। हाँ अच्छा ठीक है, तू तो बड़ी वैसे गोश्त हो रहा है मुझे सारा पता तेरा। ये एक मिनट है, इसका जो पेपर होता है ना जिसके अंदर ये हम फोल्ड करते हैं तो फिर खाते हैं ना पकड़ के, उसका तू तू बना के। वो जरा मजे का होता है, इसके साथ जरा बात ही कुछ और होती है, तू देखी जरा ऐसे करके, ऐसे करके यूं करके, तो यूं करके, यूं करके, हाँ जी एंज करके, तो ये हमारा शवरमा एंज करके खाते होते ना हैं, दुकानों से कभी ना लेना, पता नहीं कितने साल पुराना चिकन होता है उसमें। ऐसे करके हमने सेट किया, ये एक और मैं बना देती हूँ। लो जी क्रीमी और मजेदार ट्विस्ट के लिए हेलमिंस की ये हमने मेयोनेज यूज करनी है, ठीक है। और शवरमे में इसका जो मजा आता है, वैसे तो बड़ी चीजों में पड़ती है मेयोनेज, कोई खाली इसमें थोड़ी पड़ती है, और जिसमें आप मर्जी लगाए सैंडविचेस में तो बर्गर में तो सब चीजों में, इसका तो मजा ही कुछ और है, क्या कहते हैं ट्विस्ट। अच्छा जी अब हमने ये लगाया, हमने इसमें थोड़ा सा और चिकन लगाया। अब तो ये भूल ना जाए जाके बाद में फोन करेगी मुझे, मम्मी जी वो क्या था तो क्यों था, तेरी बड़ी आदत है बाद ऐसे ध्यान नहीं देती होती, बाद जाके मेरा सिर खानी होनी है। ओ, मम्मी जी फिर कोई चीज अगर भूलती हूँ तो फिर पूछ लेती हूँ ना। तो बेटा तू इसकी रिकॉर्डिंग देख लियो ना, मोबाइल के ऊपर भी आ रहा होगा मेरा, हाँ मेरा शो आ रहा होगा, सबने बार बार देखना होगा, देखी तू है
तो जिसको जो भूल जाए वो इसमें से फिर देख ले। यार जानी मैं एक और दफा इसका पेपर निकालूं। इसका पेपर होता है जिसमें हम पकड़ पकड़ के खाते हैं, है ना भाई। तो अभी हमने दो बना लिए हैं तकरीबन, और हमने क्या करना है इसको ऐसे फोल्ड करके। अच्छा इस तरह करना, तू जरा हेल्प कर, एक नार की जो चिली गार्लिक सॉस है इसमें डाल, तो दूसरा केचप भी इसमें डाल। इतनी देर में मैं ये कर लेती हूँ, और हम ताकि भैया ऐसे ना हो कि हमारी इफ्तारी हो जाए तो हम रह जाएं। ये देख ओए कितना, मम्मी जी भर दवा यहाँ। चल भर दे फिर, तेरे अब्बे का पता नहीं जब मूड आया तो फिर हर चीज केचप पा जाए, पुलाच भी पा लेने उन्होंने की है, उन्होंने बड़ा पसंद देगा। हाँ जी, तो ये चिली गार्लिक सॉस है। हाँ जी, ये फट मैंने डाल दिया दोनों चीजें। इसकी बड़ी वैसे मजेदार होता है ये चस्के वाला, देख अब अब्बा तो बड़ी शौक से खाते हैं। अच्छा अब तू इसरा कर, मेरा बच्चा जाके तो उधर इफ्तारी की टेबल पे चीजें सजा के। अच्छा अच्छा छेती हो ये, और ये अपना हमारी जो नटी फ्रूटी कस्टर्ड है वो सारा कुछ पचा के मेरी बच्ची, छेती हो जा। तो मैं भी आई तेरे पीछे पीछे, चल मैं ले आती हूँ ना, मैं कड़ी घट है गया मेरी भी स्पीड बहुत है कमा दी। एल फड़ बिस्मिल्ला, चलो जी खैरी सल्ला। अच्छा जी बस चलो अब हम इफ्तारी का इंतजार करते हैं। तो काका किधर है? काका पीछे पढ़ के ले आसू। ए काका चूजिया मुजिया दुनिया की मानिया मानिया क्या आ जाए, चूजिया मुजिया मुजिया दे दादिया बकने। मम्मी जी वो खेल रहा है वो, के वो नहीं आ रहा। बड़ा जिद्दी है वैसे, मेरा विक्की है अपने मामे पे गया है। चल रहन दे सू वे आरफ उठाने खाने वाले तो उठ जाएंगे ना। अच्छा प्यारे बहनों और भाइयों, अब आप अपनी बहन मिसेस चौधरी को इजाजत दीजिए। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कोई और मजे मजे की डिशें लेकर आपके सामने आएंगे, ताकि आप मेरी बनाई हुई डिशों से अपने रोजे अफतारी करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम।